में 10% इजाफा हो गया है। 18 अरब 38 करोड़ मजमुई खसारा है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 986 अरब रुपये है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 232 अरब रुपये है और कैपिटल अखराजात का तखमीना 39 अरब रुपये लगाया गया है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो सिंध के बजट में सामने आई है, उसमें उन्होंने जो तालीम, सेहत और ज़रई शोबों के लिए रकूम जो है वो बढ़ा दी है और ख़ास तौर पर जो है वो ग्रेड 1 से 16 के लोगों की 10% जो है वो बढ़ाई है और उससे ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनकी 5% जो है वो उसमें इजाफा किया। ये वही वाली बात है जो परसों में अपने प्रोग्राम में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है हमने कहा और उन्होंने मेरी तजवीज़ को जो है वो सामने रखा इस प्रोग्राम के थ्रू। तो चले, अच्छी बात है कि सिंध वालों ने जो है वो इस तजवीज़ को जो है वो फॉलो कर लिया और उस पर जो है वो अमल दरामद भी जो है वो किया, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से एक जुमला बड़ा जो है वो इन हुआ एक निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में। उन्होंने लाहौरियों के बारे में जो अल्फाज कहे, मैं उसको दोहराऊंगी तो नहीं क्योंकि उस पर उन्होंने जो है वो बाद में माफ़ी भी मांग ली थी तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब उनका अपने ही जुमले पर एक बयान सामने आया है और कहती हैं कि लाहौरिये तो बच्चों की तरह हैं, माफ़ी चाहती हूँ, दिल माँ की तरह धड़कता है, डांट कर समझा सकती हूँ। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि बस ये सारे लाहौरिये जो हैं मेरे बच्चों की तरह हैं और मेरा दिल माँ की तरह धड़कता है। इसलिए बच्चे जो है वो अपनी माँ को जो है वो माफ़ कर सकते हैं। किसी बयान पर दिल आजारी हुई है तो माजरत चाहती हूँ, SOPs पर अमल दरामद ना करने पर दिल की भड़ास निकाल ली। मैंने आपको क्या